आ रही है बिहार से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र। परिवर्तन पत्र के नाम से आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। तेजस्वी यादव ने जारी किया है ये घोषणा पत्र बिहार से। ये बड़ी खबर आ रही है, 24 घंटे के लिए आरजेडी 24 वचन। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है 17 महीने में 5 लाख नौकरी देने की यहाँ बात कही गई है। देश में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे तेजस्वी यादव। बिहार से ये बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से ये पत्र जारी किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे। और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे। और जैसे बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके। एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%।